السلام عليكم students. Me Muhammad Haseem Mushtaq, your mathematics lecturer from the platform of Punjab High School Jadawala. Today is my lecture for class 9th and 1. Topic is review exercise of chapter 2. Last मैंने आपको homework दिया था exercise जो इनकी chapter number 2 की review थी उसके MCQs का. ठीक है, तो आज मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. मैंने सोचा कि मैं खुद भी एक दफ़ा आपको एमसीक्यूज गाइड कर दूं. उम्मीद है आप सबने किए होंगे, लेकिन फिर भी उसके सॉल्यूशंस और उसकी डिस्कशन जो है वो एक दफ़ा आपके गोश गुजार कर दूं. तो नाउ कम टू द लेक्चर. जी, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसकी मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ. रिव्यू के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कल कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं उसके जो है एमसीक्यू सिर्फ. ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस हमारे पास. सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर. 27x - 1 - 2 की पावर 3 - 2/3 हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, और हमारे पास इस वक्त 3 रेडिकल फॉर्म, बल्कि 4 रेडिकल फॉर्म्स लिखी हुई हैं. हमने देखना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करता चलूं, जब -2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो +1 2/3 हो जाएगा, और 27 की पावर रहेगी -2/3. ठीक है जी, जो पावर माइनस में है वो हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास आएगा 27 की पावर 2/3. ठीक है, 27 2/3 सिंप्लीफाई होकर आंसर आता है 9. ठीक है, ऊपर हमारे पास बचा है x की पावर 2/3. एक्स की पावर 2/3 से मुराद है यानी 3 रेडिकल की पावर है और 2 रेडिकेंड, यानी रेडिकेंड मींस एक्स की पावर. तो यहां देखें, पहले के अंदर यही हमारे पास आंसर आ रहा है, एक्स की पावर 2 और इसके अंदर रेडिकल की पावर 3 है और नीचे 9. तो करेक्ट आंसर इज ए. क्लियर हो गया, यानी 27 सिंप्लीफाई हुआ तो नीचे जाकर हो गया 9, क्योंकि उसकी पावर 2/3 थी. तो 2/3 से मुराद किस तरह है कि 27 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और 2/3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर हमारे पास बची सिर्फ 2, तो दैट गिव्स 9. क्लियर हो गया. अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया सेकंड, राइट एक्स इसका रेडिकल और उसके इंडेक्स में है 7, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो जब हमने कहा था कि जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो उसको जो पावर इंडेक्स में होगी वो एक्स 1/7, यानी उसकी पावर 1/7 होगी. इसका 7th रूट को ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली. तो इसका आंसर सी है कि एक्स 1/7. नाउ थर्ड वन इज राइट 4 2/3 विद रेडिकल साइन. अब मैंने आपको कहा था कि जो डिनोमिनेटर होता है, वो रेडिकल की पावर, और जो न्यूमरेटर होता है वो रेडिकेंड, यानी जो बेस होती है उसकी पावर. क्लियर हो गया जी, यानी जिसका जजर लिया जाता है. ठीक हो गया, रेडिकल जिसका जजर, जिसे उर्दू में मजजूर कहते हैं और रेडिकल को जजर कहते हैं, मजजूर जिसका जजर ले रहे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 की पावर 2 आना चाहिए और रेडिकल इसका क्यूब रूट होना चाहिए. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 4 की पावर 2 ये रेडिकल की पावर आ गई और 3 इसका क्यूब रूट. क्लियर हो गया जी. नो जी, 4th वन, इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंड इज, रेडिकेंड मैंने बताया था जिसका जजर लिया जाए, तो इस किसका जजर ले रहे हैं, 35 का. तो आंसर क्या आएगा फिर, रेडिकेंड कौन है, 35, यानी सी आंसर. ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर 5, 25/16 whole power -1/2. ठीक है जी, -1/2, अगर मैं इसका इनवर्स लू ये, तो हमारे पास आता है 16/25, और इसकी जो माइनस पावर है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 2.4 जब आपको कराई थी तो ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर पावर माइनस में है तो उस फ्रैक्शन को उल्ट दिया जाए, यानी इनवर्स कर दिया जाए, तो बेटे हमारी उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, -1/2, तो +1/2 हो जाएगी, यानी 16/25 आ जाएगा. तो 16 4 का स्केयर और 25 5 का स्केयर. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 4/5 इज द करेक्ट आंसर. तो ये बी ऑप्शन. 6th वन की कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 iota. कॉन्जुगेट बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं हम, इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे किसके, ए के पास भी नहीं है, सी के, पी के पास, सी. सी इज द करेक्ट आंसर, 5 - 4 iota, यानी इसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज है, उसके अलावा कोई साइन चेंज
नहीं करना ना रियल पार्ट का. नाउ जी सेवंथ वन, द वैल्यू ऑफ एओटा 9. एओटा 9 हमें सिर्फ पता है एओटा स्केयर क्या होता है. एओटा स्केयर की वैल्यू होती है -1. ठीक है जी. अब -1 हमारे पास होती है एओटा स्केयर की वैल्यू. एओटा 9 हम एओटा 8 डॉट एओटा यानी एओटा 8 मल्टीप्लाई बाय एओटा और एओटा 9 में कोई फर्क नहीं है. क्लियर हो गया जी. एओटा 8 एओटा स्केयर की पार्ट 4 बनेगी. -1 की पावर 4 दैट गिव्स 1. 1 मल्टीप्लाई बाय एओटा दैट गिव्स एओटा. ठीक हो गया जी. हमारे पास आंसर आया सी. ये सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने आपको जो वैल्यूएशन के थे एक्सरसाइज 2.5 में भी करवाए. उम्मीद है आपको इस चीज को समझ लगे. एवरी रियल नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. एवरी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर या नेगेटिव. इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर. कि हर हकीकी अदद जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता. ठीक हो गया जी. रियल पार्ट ऑफ ये है जी हमारे पास 9th वन, द रियल पार्ट ऑफ 2ab एओटा प्लस एओटा स्क्वायर. इसका रियल पार्ट बता रहे हैं. सादा अल्फाज में समझाऊं तो एओटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ एओटा नहीं है वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल पार्ट है. तो हम जब इसको 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे एओटा के साथ, 2ab एओटा आएगा. ये तो उसका हो गया इमेजिनरी पार्ट. 2ab जब एओटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एओटा स्क्वायर -1. तो 2ab मल्टीप्लाई -1 तो दैट गिव्स -2ab. तो रियल पार्ट बना -2ab, बी ऑप्शन. ठीक है जी. क्या बना? बी ऑप्शन बना हमारे पास जी. स्टूडेंट्स तो मैं बात कर रहा था रियल पार्ट ऑफ 2ab एओटा प्लस एओटा स्क्वायर की. दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, 2ab एओटा प्लस एओटा स्क्वायर यानी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो बन गया इमेजिनरी नंबर. एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो 2ab जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2ab गया. तो हमारे पास आंसर आया बी पार्ट, यानी -2ab इसका क्या है, क्या है? इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट. अब 10th में इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एओटा 3 एओटा प्लस 2 माइनस एओटा इनसे मल्टीप्लाई होगा. अच्छा पहले बताऊं, माइनस एओटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना जी तो -2 एओटा आ गया. तो इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट. आसान सा मैंने आपको तरीका बता दिया. माइनस एओटा जब 2 एओटा से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 एओटा आएगा. इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट आया -2. ए इज द करेक्ट आंसर. 11. Which of the property set as the Collier property? Simple question है कि Collier property क्या होती है. Collier property repeat कर दूँ with respect to addition के add करें उसकी सेहत पर फर्क ना पड़े, वो वही number हमारे पास real number की सूरत में है. तो zero जो है वो इसको fulfill करेगा. ठीक है जी. Collier property को chapter number 2 exercise 2.2 ये हमारे पास आता है जी. 12th one, name the property of real number. Property यानी exercise 2.2 से MCQ शुरू हो चुके हैं. माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इट गिव्स माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2. यानी ये मैंने बताया था कि ऐसा नंबर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो उसकी सेहत पर फर्क ना डाले वो क्या होगा, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1. तो 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा उसका कोई चेंज उसमें नहीं आएगा. अगर वही रियल नंबर वापस आ जाए उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0. अच्छा, z इज लेस देन 0. z इज लेस देन 0 से मेरा था कि ये माइनस की टर्म्स को डिस्कस कर रहा है. देन x इज लेस देन y. x इज लेस देन y तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बेटा बनेगा x मल्टीप्लाई बाय z ग्रेटर देन. चूंकि जब भी वैल्यूज चेंज होंगी साइन चेंज होंगे तो उनके दरमियान मौजूद जो इनक्वालिटीज हैं वो तब्दील हो जाएंगे. अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है तो लेस देन. यानी जी इज लेस देन है ना, तो यानी ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब माइनस की वैल्यू आएंगी तो इनके दरमियान जो ये वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान जो इनक्वालिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी इनवर्स हो जाएंगी. ठीक है जी. 14.
हमारे पास है जी a इज इक्वल टू बी, a इज लेस देन बी, a इज ग्रेटर देन बी, ये तीन सूरत हाल है। इन तीन सूरत हाल जो कि इनइक्वालिटीज के अंदर पाई जाती है उसे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं जी? ट्राइकोटोमी। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एन इरेशनल, ये इरेशनल की टाइप है कि जिसमें नंबर के जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट हो जाए सेम ऑर्डर में या वो ना रुके किसी जगह पे। मिसाल के तौर पे कोई आपने सॉल्यूशन लिया तो वो जवाब आया 0.1.3679 चलता जा रहा है, कोई एक्यूरेट आंसर कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। अच्छा जी, अब आगे ट्रू फॉल्स। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रोपोजिशन, बिल्कुल जी डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो ये बिल्कुल ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता है नेचुरल नंबर के सेट्स का और होल नंबर के सेट का पता होगा, डिफरेंस इसमें होता है क्योंकि इसमें फर्क है, वो होल नंबर होते हैं 0.2345 और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आगे कंटिन्यू। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। हाँ, ये इसमें जब हम इसको 1/0.02 करेंगे तो 50 आंसर आएगा, ये ठीक है। बात समझ लगी? यानी इस ये डेसिमल में ये नंबर में होल नंबर में, ये ठीक है। एन इज द रैशनल नंबर, एन इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि जो चीज वैल्यू मौजूद नहीं पता नहीं हो वो इरेशनल है। एवरी इंडिजर इज अ रैशनल नंबर, ये सही बात है। सब्ट्रैक्शन इज अ क्यूमुलेटिव ऑपरेशन, नाउ सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए, सॉरी क्यूमुलेटिव जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से होगा या एडिशन के लिहाज से होगा, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्या कह रहा है जी? एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नाउ ऐसा नहीं होता। हाँ, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये तवज्जो सुना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिकरिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग आपको पता रैशनल की है, वो एक जगह हमारे पास की सोल्यूशन आ जाएगा, यानी लाइक आपने किसी को डिवाइड किया तो आंसर आया 9.25, तो 9.25 जो है वो टर्मिनेटिंग है, दैट इज रैशनल। अच्छा जी, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, 1.8 बार, 8 बार किसको रिप्रेजेंट करता है? 8/9 को, कि हमने एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था कि किसी भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, तो ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, दैट इज ट्रू। ठीक है जी, ये हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए, क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका था, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसी किस्म का बेटे प्रॉब्लम होता है मुझे कॉल करके पूछे, व्हाट्सएप करके पूछे, जिस तरह मर्जी पूछे, एनी टाइम मैं हाजिर हूँ, लेकिन किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट जेन में नहीं रखना कि समझ नहीं आ रही है, कोई कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।